जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आयकर विभाग में बड़े स्तर पर पदोन्नति, पूरे देश में 251 आयकर अधिकारी बने सहायक आयकर आयुक्त। रिक्तता साल 2019 से 2021 की रिक्तियों के आधार पर पदोन्नतियां की गई। राज्य के 6 आयकर अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। आईटीओ से एसी के पद पर पदोन्नत होने वाले राज्य के अधिकारियों में ब्रजमोहन तंवर, राजपाल सिंह, आरपी धौलपुरिया, दिनेश कचोड़, रमेश मीणा और कमलेश मीणा का नाम शामिल। सीबीडीटी ने जारी किया 9 पेज का पदोन्नति आदेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास है पदोन्नति आदेश की प्रति और केंद्र सरकार के अवर सचिव जेएस मलिक के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए गए। तो राज्य के 6 आयकर अधिकारियों को पदोन्नति मिली है और जिनको पदोन्नति मिली है उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। आईटीओ से ये एसी हो गए हैं ब्रिजमोहन तंवर हैं, राजपाल सिंह हैं, आरपी धौलपुरिया हैं, दिनेश कचोड़ हैं, रमेश मीणा हैं और कमलेश मीणा, इनके नाम शामिल हैं। सीबीडीटी ने 9 पेज का पदोन्नति आदेश जारी किया है और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव ये प्रति आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, जिस तरीके से पदोन्नति हुई है, वैसे तो शायद अगर मैं गलत नहीं तो रूटीन प्रोसेस है, लेकिन फिर भी 19 से 21 के बीच में पदोन्नति हुई, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, ये जो पदोन्नति है, इस पदोन्नति का काफी समय से इंतजार हो रहा था। मंगलवार को हमने एक खबर ब्रेक की थी जिसके अंदर ये आशंका जताई गई थी कि इनकी जो डीपीसी हुई है, विभागीय पदोन्नति समिति की जो बैठक हुई है, उसमें 180 से अधिक आईटीओ को सहायक आयुक्त बनाए जाने का फैसला हो चुका है। पर इस सप्ताह, मतलब जैसे कि हमारे को जो सूचना थी कि इस सप्ताह में ये पदोन्नति आदेश जारी भी हो जाएंगे और राजस्थान के करीब आधा दर्जन आईटीओ जो है उनको सहायक आयकर आयुक्त के पद पर पदोन्नति होगी। हमारे पास में जो सोर्सेज से ये जो सूचना आई थी, ये सूचना बिल्कुल सही आई थी। और आज जो आदेश जारी हुए हैं, इन आदेश के अंदर 6 आयकर अधिकारियों को सहायक आयकर आयुक्त के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। इन 6 अधिकारियों के नाम भी हमारे पास में आए हैं और हमारे पास में एक पूरी सूची है जिसके अंदर किन किन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है उनके बारे में पूरा डिटेल हमारे पास में, जो सीबीडीटी ने आदेश जारी किया है, ये आदेश हमारे पास में उपलब्ध है। विमल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।